वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा रेमेडी जिसको लगाकर कुछ दिन के इस्तेमाल से ही आप अपने चेहरे को बेहद गोरा बना सकते हैं, साथ ही आप अपनी स्किन को चमकाकर उसे यूथफुल भी बना सकते हैं। इसके रेगुलर यूज करने के बाद आपके चेहरे से दाग धब्बे भी दूर होकर स्किन कांच की तरह निखरने लगेगा। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो के न्यू गेस्ट हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बेसन। बेसन हमारे स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग को ऐड करके स्किन को एक्सफोलिएट करता है और साथ ही ये हमारे स्किन को नरम मुलायम और खूबसूरत बनाता है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट, एक बोल में डालिए 2 चम्मच बेसन। ये स्किन को इफेक्टली तरीके से गोरा बनाने के लिए एक्सीलेंट है। सेकंड ऐड करना है हमें लेमन जूस। लेमन भी स्किन वाइटनिंग का एक नेचुरल सोर्स और नेचुरल वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है। थर्ड, 2 पिंच टर्मरिक डालिए और इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन ऐड कीजिए। इसके बाद लास्ट में आप इसमें ऐड कीजिए कर्ड। कर्ड दही स्किन वाइटनिंग का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। व्यूअर्स, दही को एक नेचुरल वाइटनिंग क्रीम कहते हैं क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है और ये चेहरे को मुलायम, चमकदार और गोरा बनाने में बहुत इफेक्टिव है। ये टैन को रिमूव करके आपको एक्सलेंट रिजल्ट दिखाएगी। फिर आप इसे मिक्स करके एक अच्छी कंसिस्टेंसी का इस तरह से पैक बना लीजिए। इस पैक को आप अपने फेस, गर्दन, टैन बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप इसे अपने हैंड्स और फीट के साथ साथ एल्बोज और नीज के कलर को लाइट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये आप अपने फेस पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 20 मिनट बाद अपने हाथों पर नारियल तेल लगाकर अच्छी तरह से रगड़ करके मसाज कीजिए। इससे आपके स्किन में होने वाला जितना भी टैन है वो निकल जाएगा एंड आपके स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर, ब्यूटीफुल और हेल्दी नज़र आएगी। सो आई होप दिस आपको आज का रेमेडी पसंद आया हो। सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।